हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले जीआरएससी यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का जो अभी वैकेंसी निकला हुआ है जूनियर इंजीनियर के लिए और भी अलग अलग पोस्ट के लिए, उसके फॉर्म फिलअप के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग फॉर्म फिलअप के बारे में जानेंगे, शुरू से एंड तक कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है सारा कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका एडवर्टाइजमेंट, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो मैं आपको शॉर्ट में ओवरव्यू बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या वैकेंसी है और कितने कितने। दो टाइप का वैकेंसी, एक परमानेंट है और एक आपका कॉन्ट्रैक्चुअल है, जो कि परमानेंट हो जाएगा 90% चांसेस है, जो कि नोटिफिकेशन है मेंशन है। दोनों में से किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंजन टेक्नीशियन में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, डिप्लोमा बोला गया है। और साथ ही साथ इसके सब ब्रांचेस जो मैकेनिकल से रिलेवेंट ब्रांच है और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों से रिलेवेंट ब्रांच है, इनको भी एलिजिबल किया गया है। तो वो भी नीचे में डिटेल दिया गया, तो देख लीजिएगा। देन फिक्स टर्म में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैकेनिकल में है, देन इलेक्ट्रिकल में है, देन यहाँ पर केमिकल में है, पेंट टेक्नोलॉजी में, देन सिविल में है, देन नेवल आर्किटेक्चर और उससे रिलेटेड ब्रांच है, देन यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर डिप्लोमा नहीं है, बीसीए है, बीएससी है, तो ये सब चेक कर लीजिए। ग्रेजुएशन है, यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करके आइएगा तो दोबारा से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल है, जिसमें ऑटो कैड को भी मांगा गया है, तो यहाँ पर ऑटो कैड रहेगा। तो ये सारा चीज़ चेक कर लीजिएगा, फिर स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर ब्रांचेस दिए गए कौन कौन से, सब ब्रांचेस यहाँ एलिजिबल है। सो ये एक आपका ओवरव्यू है, डिटेल में देखना हो तो आप नोटिफिकेशन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में हम फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर्म फिलअप के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट लॉगिन पर क्लिक करना है। क्रिएट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, देन डेट ऑफ बर्थ, देन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे, वो पोस्ट कोड आपका होना चाहिए, तो यहाँ पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन ईमेल आईडी, देन दोबारा से ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। देन पासवर्ड, पासवर्ड का यहाँ पे दिया गया आपको किस टाइप का पासवर्ड बनाना है। देन सबमिट करना रहेगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो फिल कर लेते हैं। सो देख सकते हैं, इस तरह से कुछ आपको फिलअप करना है। आपका नेम यहाँ पर जैसा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में होगा एग्जैक्टली वही नेम होना चाहिए यहाँ पर। देन उसका डेट ऑफ बर्थ, देन उसके बाद यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारा दिया गया पोस्ट, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पोस्ट दिया गया उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर देख सकते हैं इंजन टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल परमानेंट वाला सेलेक्ट किया हूँ, आपका जो यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा, जिसमें आप इंटरेस्टेड रहेंगे फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में जो फर्स्ट ईमेल आईडी होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा, आपका ईमेल आईडी होगा और जो आपका एट द रेट लगता है उसके बाद जो होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली एट द रेट जीमेल होता है या फिर हॉटमेल, याहू, रेडिफ, जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा तो नीचे में जब आपको टाइप करना है दोबारा से यही ईमेल, तो आपको पूरा यहाँ पर टाइप करना रहेगा। तो ये ईमेल का चेक कर लीजिएगा, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड है, पासवर्ड का आपको मैं बता देता हूँ क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए। एक आपका कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक आपका स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर में आपका हैश, एट द रेट, डॉलर, ये सारा आ जाता है। देन उसके बाद एक आपका नंबर, तो न्यूमेरिकल भी रहना चाहिए, इन सब का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए और मिनिमम चार वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऊपर आप कुछ ही बना सकते हैं, चार वर्ड से ज़्यादा आप कुछ भी कर सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन ये होना ही चाहिए। तो ये पासवर्ड का है जो नॉर्मली हर जगह आजकल एप्लीकेबल है। देन उसके बाद यहाँ पे आना है, देन यस पे क्लिक करना है, देन सबमिट पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से आएगा, आपको एक्नॉलेजमेंट आपके मेल पे आ गया रहेगा और यहाँ पर भी आपको शो कर देगा प्रोसीड टू लॉगिन। तो यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो आपने ईमेल आईडी अभी डाला था वो ईमेल आईडी डालना है। देन जो आपने पोस्ट सेलेक्ट किया था वो पोस्ट सेलेक्ट करना है। देन पासवर्ड यहाँ पर जो आपने बनाया था वो पासवर्ड डाल के सबमिट करना है। लॉगिन दोबारा से कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको आपका एक्चुअल फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, उसको आपको फिल करना रहेगा, तो फिल कर लेते हैं। सो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे कॉलम ओपन हो गया, क्या क्या आपको फिल करना रहेगा, एक एक करके आपको फिल करते जाना है। पहले एप्लीकेशन फिल करना है, देन अपलोड करना फोटोग्राफ सिग्नेचर, देन अपलोड करना कास्ट एक्सपीरियंस अगर है तो, नहीं है तो आप इसको, आपको ऑप्शन नहीं आएगा, आप इसको ब्लैंक छोड़ के स्किप कर सकते हैं। देन प्रीव्यू, देन लास्ट में आपको कंप्लीट कर देना वेरीफिकेशन करके, पेमेंट वगैरह अगर लगता है तो। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका फिल एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। पहले आपका पर्सनल डिटेल्स रहेगा, देन क्वालिफिकेशन रहेगा, देन एक्सपीरियंस रहेगा, देन सबमिट क्वालिफिकेशन रहेगा। तो जो आपका यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा, जैसे एक्सपीरियंस अगर नहीं मांगा गया तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ने का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर ऑप्शनल दिया गया है। बाद बाकी जो कंपलसरी है उसको आपको फिल करना है। तो सबसे पहले पहला है क्लिक हियर टू फिल पर्सनल डिटेल्स, तो इस पर क्लिक करना है आपको। सो यहाँ पे देख सकते हो उसके नीचे ये कॉलम ओपन हो गया, आपको एक एक करके सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका मिस्टर मिस जो भी आपका होगा, तो मिस्टर, देन इंजन टेक्नीशियन यहाँ पे पोस्ट,
कहाँ पे आपका यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा, दो ऑप्शन आपके पास, कोलकाता और रांची, तो आपका जो नज़दीक होगा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे फादर्स नेम, तो फादर्स नेम के आगे यहाँ पे मिस्टर, देन यहाँ पर आपको फादर्स नेम फिल कर लेना है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको फादर्स नेम फिल करने के बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में ध्यान देंगे यहाँ पे स्टेट से स्टार्ट कीजिएगा, जो स्टेट में आप है उस स्टेट का आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वाला आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको सिटी, देन उसके बाद आपका एड्रेस जो भी है, आपका होम नंबर, हाउस नंबर, जो भी क्वार्टर नंबर है, देन एरिया, नगर, टाउन, जो भी है बस्ती वो, देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ये सारा फिल करने के बाद अगर नीचे का भी आपका सेम है, सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना रहेगा, आपका यहाँ पे रिपीट हो गया, देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका डिफरेंट है परमानेंट एड्रेस तो आपको अपना मैनुअली फिल कर लेना रहेगा। देन उसके बाद यहाँ से आपको मोबाइल नंबर अपना फिल कर लेना, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है, तो मोबाइल नंबर फिल कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पूछा जाएगा, तो आपका जो रेलवे स्टेशन नियरेस्ट रहेगा उसको फिल कर लेना है। देन उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो यस नो जो भी है तो यहाँ पे नो। देन यहाँ पे देख सकते हैं नेशनलिटी बोला जा रहा है तो इंडियन। देन उसके बाद मैरिटल स्टेटस तो अनमैरिड। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेदर एक्स सर्विस मैन तो नो। देन उसके बाद यहाँ पे अगर यस रहता तो आपको फिल करने का ऑप्शन रहता है आर यू रेगुलर एम्प्लॉय नो। देन आर यू परमानेंट एम्प्लॉय नो। एनी रिलेटिव, रिलेटिव अगर है तो यस कीजिएगा, नो है तो नो। अगर रहेंगे तो यहाँ पे आपको उनका डिटेल्स देना रहेगा। देन क्वालिटी कंप्यूटर, देन देख सकते हैं डू यू वर्किंग एक्नॉलेज स्किल्स इन इंजीनियरिंग वर्कशॉप, तो अगर है तो यस कीजिएगा, नो है तो नो कीजिएगा यहाँ। सो यहाँ पे जो दिया गया है एक ध्यान से आप पढ़िएगा, डू यू हैव वर्किंग नॉलेज या फिर स्किल्स इन इंजीनियरिंग या फिर वर्कशॉप प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पर हर किसी को यस की करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको यस करने में, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है तो आपको स्किल्स है इंजीनियरिंग में, और वर्कशॉप भी रहता है इंजीनियरिंग में, तो वर्कशॉप का आपको प्रैक्टिस है, और वर्किंग नॉलेज तो आपने अगर इंजीनियरिंग किया है तो अगर आपको वर्किंग नॉलेज हो ही जाता है। देन यहाँ पर देख सकते हैं सेव पर्सनल पर्टिकुलर्स, तो इसमें से कोई भी है तो यस करना है, तो यहाँ पर यस करके आपको यहाँ पर सेव कर देना है। इस प्रकार से आपको आएगा पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली सेव्ड। देन बैक पे क्लिक करना है, देन अगेन आना है क्लिक हेयर टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे, तो इस पर क्लिक करना है। अब क्वालिफिकेशन का सेक्शन नीचे ओपन हो चुका है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है आपका मैट्रिक से, टेंथ से, देन अगर आपने ट्वेल्थ किया है तो ट्वेल्थ का, अगर आपने ट्वेल्थ नहीं किया डायरेक्ट डिप्लोमा किया तो टेंथ, देन डिप्लोमा का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टेंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक कर रहा हूँ। सो देख सकते हैं इस प्रकार से आपको ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे क्वालिफिकेशन और डिग्री नेम, तो आपका यहाँ पर टेंथ है तो यहाँ पर आपको डालना रहेगा हायर सेकेंडरी या फिर मैट्रिकुलेशन, तो यहाँ पे मैं क्लिक आपको फिल कर रहा हूँ मैट्रिकुलेशन। देन सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नेम, तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स, देन उसका ड्यूरेशन ईयर मंथ, तो आपने कितने ईयर का ये किया है तो 1 ईयर, सो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको फिलअप कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना बोर्ड का नाम, देन किस ईयर और किस मंथ आप पास आउट हुए वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा, अपने मन से मत सेलेक्ट कीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक होता है। देन उसके बाद मार्क्स पे है या फिर ग्रेड्स पे है, तो मार्क्स पे है तो मार्क्स सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रेड्स है तो ग्रेड सेलेक्ट कर लीजिएगा, कितने में कितना ग्रेड आपका आया है वो मैक्सिमम, या फिर मार्क्स है तो आपका कितना मार्क्स आया कितने में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 395 मैंने यहाँ पे फिल किया है 500 में आउट ऑफ, तो यहाँ पे परसेंटेज अपने आप आ गया आपका कितना परसेंटेज हुआ है। देन डिवीज़न में यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट डिवीज़न, देन यहाँ पे डिलीवरी मोड, तो यहाँ पे हमेशा फुल टाइम सेलेक्ट कीजिएगा, कभी भी यहाँ पे और कुछ सेलेक्ट मत कीजिएगा। देन सेव क्वालिफिकेशन, देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, देन बैक पे क्लिक करना है। सो अभी ये हुआ आपका फर्स्ट क्वालिफिकेशन यानी कि टेंथ का क्वालिफिकेशन कंप्लीट। अब दोबारा से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ट्वेल्थ अगर आपने किया है तो आपको फिल करना है, नहीं किया तो डायरेक्ट डिप्लोमा का फिल करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिप्लोमा पे जा रहा हूँ। अगर ट्वेल्थ आपने किया है तो ट्वेल्थ पे सेलेक्ट कीजिएगा, एग्जैक्टली सेम आपका रहने वाला है जैसे आपका टेंथ आपने भरा था। सब्जेक्ट में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका रहेगा, आईएससी रहे तो आईएससी सेलेक्ट कर लीजिएगा, आई कॉमर्स जो भी आपका है
सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी परसेंटेज वगैरह है आपको वहाँ पे फिल कर लेना रहेगा, देन वैसे ही सेव करना रहेगा और वापस आके देन यहाँ पर आपका सेम आ जाएगा। देन डिप्लोमा पे क्लिक कीजिए, देन यहाँ से ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। देन देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग का क्वालिफिकेशन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको डिप्लोमा का डिटेल्स फिल कर लेना रहेगा। तो क्वालिफिकेशन, डिग्री नेम, तो कौन सा आपका डिग्री रहेगा यहाँ पे, तो क्वालिफिकेशन आपका रहेगा डिप्लोमा इन जिस भी ब्रांच में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो। देन उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कौन सा आपका स्पेशलाइजेशन है, तो इनमें से कौन सा इन सब ब्रांचेस को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है, तो इलेक्ट्रिकल। देन ड्यूरेशन ईयर मंथ, तो कितने साल का था, तो ये आपका 3 साल का होता है डिप्लोमा, तो आपका 3 साल, मंथ आपका 0, तो 3 ईयर 0 मंथ। अब पासिंग मंथ एंड ईयर, किस मंथ एंड ईयर में आप पास आउट हुए हैं, तो मान के चलिए आप 2017 में मैट्रिक दिए थे, उसके बाद अगर आपने एडमिशन लिया है तो 2020 में आप पास आउट हुए हैं। देन मंथ, अब डिप्लोमा का जो पासिंग मंथ होता है वो आपका नॉर्मली जुलाई, अगस्त, सितंबर इतना ही होता है, तो जो भी आप करेगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर रिज़ल्ट, जो आपका रिज़ल्ट फिर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। देन बोर्ड और यूनिवर्सिटी, देन मार्किंग स्कीम, देन ग्रेड्स, देन मैक्सिमम मार्क्स, देन परसेंटेज, देन ये सब आपका नॉर्मल है तो आपको फिल कर लेना है जो आपका रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग रहेगा वो सारा चीज़। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सेव क्वालिफिकेशन करना है। डिटेल्स मैंने जैसे बताया आपको बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, देन मार्किंग स्कीम आपका मार्क्स पे था या ग्रेड्स पे था, तो मार्क्स पे था तो मार्क्स, कितने मार्क्स आपका है यहाँ पर, आपको क्या करना है डिप्लोमा में 6 सेमेस्टर जो आपका 6 सेमेस्टर का आपको मार्क्स को ऐड कर लेना है, कितना मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था और कितना मार्क्स आपका उसमें आया है। तो मान के चलिए 1000 करके आपका 1 सेमेस्टर था, तो 6 सेमेस्टर आपका 6000 हो गया और आपका जो मार्क्स आपने 6 सेमेस्टर में ऑब्टेन किया सबका मिला के आपको 4900 हो रहा है मान के चलिए सारा 6 का मिला के, तो आपको फिल कर लेना। देन अपने आप परसेंटेज काउंट हो जाएगा, देन डिवीज़न में आपका फर्स्ट, देन यहाँ पे आपको डिलीवरी मोड में हमेशा फुल टाइम करना है, देन यहाँ पे सेव क्वालिफिकेशन करके आगे बढ़ना है। जिनका यहाँ पे आपका CGPA में होगा उनको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहेगा, देन परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे फिल करना रहेगा। थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, एक एक करके आपको करना रहेगा, पर सब्जेक्ट वाइज करके उसको मार्क्स में कन्वर्ट कीजिए पहले, देन उसके बाद उसको आपको मार्क्स को कन्वर्ट करने के बाद सारा सेमेस्टर का आपको एक एक करके जोड़ना पड़ेगा सब सब्जेक्ट का, देन 1 सेमेस्टर का निकलेगा। देन उसी तरह से आपको 6 सेमेस्टर का निकालना है, 6 सेमेस्टर का निकालने के बाद आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। बट एक बार अगर आप मेहनत कर लीजिएगा तो आपको जितने भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिलअप है सब में लगभग यही क्राइटेरिया रहता है फॉर्म फिलअप का, तो आपको उसमें ईजी रहेगा। आप एक पेपर बना लीजिए कैसा कैसा आपका परसेंटेज में कन्वर्ट करने पर आ रहा है पर सब्जेक्ट वाइज और पर सेमेस्टर वाइज, तो आपको ईजी रहेगा आगे कोई भी फॉर्म फिलअप करने में। देन सेव क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है फॉर्म फिलअप करने में, जब आप डिप्लोमा में क्वालिफिकेशन फिल कीजिएगा तो यहाँ पर जो पासिंग ईयर है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा सेव क्वालिफिकेशन में, हम यहाँ पर शो कर रहा है पासिंग क्वालिफिकेशन मंथ या फिर ईयर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 जुलाई 2022, बट ये 1 जुलाई 2022 से ग्रेटर है भी नहीं। आप यहाँ पर चेक कीजिएगा तो 2020 मैंने सेलेक्ट किया है, बट ये आपका यहाँ पर फिलअप ले नहीं रहा है। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, देख सकते हैं ये 2019 मैंने ट्राई किया और उससे पीछे ट्राई कर रहा हूँ तो ये सब में ले रहा है, बट 2020, 21, 22 पे ये नहीं ले रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, आप किसी भी ईयर में पास आउट हुए हो आप यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, वेबसाइट का प्रॉब्लम है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप आइएगा, ये आपको GRSC का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में जाना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट सेक्शन का, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, तो इसका ईमेल आईडी आप देख सकते हैं recruitment@grsc.co.in, तो recruitment@grsc.co.in है, तो ये आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। ध्यान देंगे ये ऐड जो लिखा है @ है, ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं रहेगा, ये आपको लिखने का एक तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको लिखना है। सो ये आपका प्रॉपर इसका ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी को मैं यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इस पर आपको मेल करना है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जितना ज़्यादा मेल जाएंगे 1 से 2 दिन में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, और आपको कॉल भी करके ट्राई करना है इनके कॉन्टैक्ट सेक्शन से। देन अब वापस आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ ट्राई करने के लिए एज अ एग्जाम्पल डेमो, तो मैं यहाँ पे 2019 लेके अभी ट्राई करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आपका जो एक्चुअल रहेगा आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ, तो मैं 2020 सेलेक्ट करूँ, 21 सेलेक्ट करूँ या 19 या 18, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये फॉर्म आपको आगे ले जाएगा, मैं यहाँ पे आपको बस बता दे रहा हूँ। तो सेव क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो 2019 में ये सेव हो जाएगा
और उसे ऊपर सेव हो जाएगा, बट उससे मतलब उससे नीचे सेव हो जाएगा, बट उससे ऊपर जो 20, 21, 22 में वो अभी करेंटली सेव नहीं ले रहा है। आप मेल कीजिएगा या फिर ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये आपका सेव लेना स्टार्ट हो जाएगा, वो लोग अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका सारा डिटेल्स फिल हो गया, मैट्रिकुलेशन हो गया, डिप्लोमा का हो गया, जिसका 12 रहेगा 12 भी कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडेट क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद ध्यान देंगे सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है सबमिट क्वालिफिकेशन अंडरटेकिंग, इस पर क्लिक करना और इसको फिल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा। सो इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है। एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो ऐड कीजिएगा, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सब ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन सबसे नीचे यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग देना होगा यस करके, तो आई हियर बाय एक्सेप्ट करना रहेगा और यहाँ पे एक्सेप्ट क्वालिफिकेशन अंडरटेकिंग पे क्लिक कर देना रहेगा। सो देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट हो गया आप पूरा। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे फोटोग्राफ का ऑप्शन ओपन हो चुका है, तो आपको फ़ोटो और आपका सिग्नेचर दोनों अपलोड करना रहेगा। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्या करना है आपको, फोटोग्राफ को आपको 50 KB के कम का करना है और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए दोनों, फोटो भी और आपका जो सिग्नेचर रहेगा वो भी। सिग्नेचर में एक चीज़ का ध्यान रहेंगे, वो ब्लैक इंक पेन से आपका सिग्नेचर साइन रहना चाहिए वाइट पेपर पे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ब्लैक इंक ध्यान देंगे, ब्लैक पेन से रहना चाहिए। फोटोग्राफ में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और फोटोग्राफ आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब एक चीज़ है, मान के चलिए कि आपका फोटोग्राफ 50 KB से कम का नहीं है, 50 KB से ऊपर का आप फोटो आपने लिया हुआ है, फोटो आपने क्लिक करवाया हुआ आपके पास है, वो 3-4 MB का है, 7-8 MB का है, या फिर 1 MB या फिर आपका 200-300 KB का है, तो उसको आपको कैसे 50 KB से कम का करना है या फिर सिग्नेचर को भी कैसे करना है, तो आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है। एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है जिसका नाम है क्यू रिड्यूस लाइट, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मान के चलिए आपका ये फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ को आपको करना क्या, पहले मैंने आपको बताया आपको क्यू रिड्यूस लाइट नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, वो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, कुछ इस प्रकार का रहेगा, ये देख सकते हैं ये ब्लू कलर का जो आपका है ये आपका इस प्रकार का एप्लीकेशन रहने वाला है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्या करना है आपको, इंस्टॉल कर लेने के बाद इसको आपको फ़ोटो पर जाना है, फ़ोटो पर जाने के बाद उसको शेयर करना है इस आपको एप्लीकेशन पे, इस एप्लीकेशन पे शेयर करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, जितने KB में आपको चाहिए उतना KB आपको टाइप कर लेना है, इस केस में आपको 50 KB से कम का चाहिए 40 KB आप टाइप कर लीजिए। आपका फ़ोटो चाहे 3 MB का हो, 8 MB का हो, 10 MB का हो, या फिर आपको 1 MB का हो, 600 KB, 200 KB, जितना भी KB का हो, आपका ये 40 KB आप टाइप कर दीजिए, आपका ये 10 सेकंड लेगा, 20 सेकंड लेगा मैक्स टू मैक्स, और आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा और रेड कलर में यहाँ पे दिखा जाएगा आपका फ़ोटो कन्वर्ट हो चुका है। फ़ोटो कन्वर्ट हो जाने के बाद आपको ये फ़ोटो मिलेगा कहाँ, तो ये फ़ोटो आपको मिलेगा आपके फ़ोन के इंटरनल मेमोरी कार्ड में, एक फोल्डर बन गया रहेगा क्यू रिड्यूस लाइट नाम का, उस फोल्डर के अंदर मिलेगा, जो कि आपको या तो पिक्चर्स फोल्डर के अंदर क्यू रिड्यूस लाइट फोल्डर बन गया रहेगा या फिर ऐसे ही आपको बाहर बन गया रहेगा, और नहीं तो आप चाहे तो यहाँ पे आप गैलरी में जाकर वहाँ रिसेंट से भी जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके साथ भी सेम करना है और सिग्नेचर के साथ भी सेम करना है, सिग्नेचर भी मान के चलिए आपने अभी वाइट पेपर ब्लैक इंक पेन से साइन किया, साइन करने के बाद आपने उसका फ़ोटो लिया, फ़ोटो लेते के साथ वो 3-4 MB का फ़ोटो बन गया, तो उसको भी सेम आपको शेयर करके इस पर कन्वर्ट कर लेना, 40 KB टाइप करना, वो कन्वर्ट आपका हो जाएगा। सो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैं आपका 39 KB का है एग्जांपल के लिए, इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ फ़ोटो में और अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये फोटोग्राफ आपका अपलोड हो चुका है, सिग्नेचर में भी सिंपल सा सेम करना है आपको, फाइल्स पे क्लिक करना है, देन जहाँ पे भी आपका सिग्नेचर रखा रहेगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेरा ये 15 KB का लगभग है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, अपलोड योर सिग्नेचर, तो देख सकते हैं सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको 4 फाइल बोला जा रहा है अपलोड करने के लिए, पहला फाइल आपका मस्ट है जो कि 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना ही है, देन डिप्लोमा का आपको डिग्री बोला जा रहा है, मतलब कि जो पासिंग रहता है डिप्लोमा का दिया जाता है कि ये आपका जो भी आपका नाम रहेगा, जिस कॉलेज से आप, जिस इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए, किस डिवीज़न में पास आउट हुए, एक तरह से पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, प्रोविजनल भी बोलते हैं, तो जो भी आपके आपके स्टेट में सिटी में बोला जा रहा होगा वो आपको अपलोड करना है। देन उसके बाद देख सकते हैं नीचे में थर्ड वाला में आपको डिप्लोमा का आपको मार्कशीट अपलोड करना रहेगा, तो आप यहाँ पर फाइनल जो मार्कशीट आपका रहता है लास्ट सेमेस्टर का जो फाइनल आता है वो आपको अपलोड करना रहेगा। अब लास्ट जो आपको 4th ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया था तो आपको कास्ट का ऑप्शन आएगा, अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया था तो नहीं ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये 300 KB से कम का रहना चाहिए और ये आपका PDF फाइल में होना चाहिए चारों का चारों। सो यहाँ पे ध्यान यही देना है कि आपका ये PDF फाइल में होना चाहिए और 300 KB का होना चाहिए।
तो मान के चलिए आपने एक फ़ोटो ले लिया है जो कि आपका 10th सर्टिफिकेट का मार्कशीट होगा, उसका आपने फ़ोटो ले लिया है। अब उस फ़ोटो को आपको PDF में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, गूगल पर सिर्फ टाइप करना है इमेज टू PDF। इमेज टू PDF आप जैसे टाइप कीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे। उस वेबसाइट में कोई भी एक वेबसाइट को सेलेक्ट कीजिए, उसमें से आपको सिंपल सा जो इमेज आपने अभी क्लिक किया है उस इमेज को आपको उसमें फिल कर लेना है, वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लेना, कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद वो PDF फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर आपको बोला गया है 300 KB। अब 300 KB में वो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको उसी वेबसाइट पे या फिर आप गूगल पे दोबारा आ सकते हैं, और वहाँ पे आपको टाइप से उस PDF को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सेलेक्ट करना है और PDF को आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने में दो तीन ऑप्शन रहता है, लो कंप्रेशन, हाई कंप्रेशन, एक्सट्रीम कंप्रेशन। पहले आपको नॉर्मल करना है, मीडियम। मीडियम से अगर 300 KB में आपका हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 300 KB में नहीं होता है, उससे ऊपर चल जा रहा है आपका KB साइज, तो आपको एक्सट्रीम कंप्रेशन पे करना है। या फिर आप जो कंप्रेस हुआ फाइल उसी फाइल को आप दोबारा से सेलेक्ट कर लीजिए और दोबारा से अगेन कंप्रेस कर दीजिए, तो आपका ये 300 KB के अंदर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, आपको दो चार बार ट्राई मारना पड़ेगा, तो आपका ये फाइल साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा टाइम वाला काम है, बट आप ट्राई कीजिएगा तो हो जाएगा मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी तरह से आपको करके सबको कर लेना है, एक एक पेज का आपका रहेगा उसको स्कैन कर कर लेना है, और अब आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। तो एक एक करके मैं अपलोड कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए कोई भी फाइल। तो यहाँ पर 10th का आपको सर्टिफिकेट बोला जा रहा है। सो यहाँ पर देख सकते हैं एक 191 KB का फाइल है, इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं ये अपलोड हो चुका है। देन अगेन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ चूज़ फाइल पे जाके, देन अगेन सेम फाइल मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने केस में जो ओरिजिनल रहेगा वही सेलेक्ट कीजिएगा, मैं एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ इसलिए मैं कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे मैं सेम कर रहा हूँ। सो देख सकते हैं थर्ड वाला भी अपलोड हो चुका है, कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट आपने अगर सेलेक्ट किया तो आपको ऑप्शन आएगा, अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो नहीं आया। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था क्योंकि मैं यहाँ पे फ़ी पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, तो मुझे ऑप्शन आया। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि आपका लगभग लगभग सारा कुछ यहाँ पे अपलोड हो चुका है। सेव एंड प्रोसीड, देन प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ पेमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैटेगरी SC, तो मैंने SC कैटेगरी सेलेक्ट किया था। आपका जो भी कैटेगरी होगा अगर पेमेंट लगेगा तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको पे करना होगा यहाँ पर। अगर पेमेंट का ऑप्शन नहीं आपका है तो आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं आएगा। अब यहाँ पे आई हियर बाय एक्सेप्ट करना होगा, यस। देन वंस द एप्लीकेशन इज सबमिट डू यू वांट टू प्रोसीड, यस, देन सबमिट। अब यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया, इसको आपको सेंड करना है। देख सकते हैं प्लीज़ कट एंड अफिक्स द एड्रेस लेबल गिवन बिलो टू द एनवेलप फॉर सेंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट वर्जन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसको आपको प्रिंट करना है, देन कट करना है, इसको आपको चिपका देना है, कहाँ पे आपको सेंड करना है ये एज इट इज़ ऐसी रहेगा। एप्लीकेशन नंबर सारा कुछ हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको बस अपना यहाँ पे डिटेल्स रहेगा वो यहाँ पे अगर मेंशन करना चाहे तो मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम यहाँ पे साइड में लिख के, और आपको सेंड कर देना है कि एप्लीकेशन अगर रिसीव ना हो तो आपको वापस आ जाए, या फिर आपका जो डिटेल्स रहेगा यहाँ पे फॉर्म आपको साइड में यहाँ पे फिल कर लेना रहेगा। और यहाँ पर भी मेंशन किया गया बार बार थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट, तो इसका ध्यान देंगे, स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। देन अब लास्ट आपको प्रिंट पे शेयर करना है और प्रिंट करके या PDF सेव करके रख लेना है। सो आपका ये फाइनल सबमिशन हो चुका है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।